बुक को शुरू करने से पहले ना एक काम मैं और करना चाहता हूँ। github.com पे ना आपके लिए एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी कि क्लास में जो भी कुछ हम कोड लिखा करेंगे, ठीक है, वो इस रिपोजिटरी में हम पुश किया करेंगे। तो वो रिपोजिटरी भी बना देता हूँ और उसका लिंक भी आपको WhatsApp पे और air.sysbar पे दोनों पे दे देता हूँ। अच्छा, तो मैंने एक रिपोजिटरी बनाई, इसका नाम मैंने रखा सैलानी बैच 8 वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्लास। ठीक है जी, अब जो भी कोड हम किया करेंगे ना क्लास में, वो कोड यहाँ पे आपको पुश कर दिया करूंगा। अच्छा, इसका लिंक मैं आपको air.sysbar पे भी शेयर कर देता हूँ और आपके WhatsApp पे भी इसको मैं शेयर कर दूंगा। सही है, या आप में से कोई इसको WhatsApp पे डाल देगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ। अब हमारे कम्युनिकेशन का जो मीडियम था ना, वो मसला हल हो गया हमारा। व्हाट्सएप के ग्रुप में आप सब लोग ऐड हो चुके हैं और जो भी कोड यहाँ होगा वो रिपोजिटरी भी आपको मिल चुकी है। ठीक है, अभी तक कोड हालांकि हमने कोई लिखा नहीं है क्लास में, लेकिन इनशाला आज हम कुछ ना कुछ कोड करेंगे जाने से पहले, तो वो कोड मैं वहां पे पुश कर दूंगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी कहानी है जो बुक में सुनाई जा रही है कि इंटरनेट भाई काम करता कैसे। कल तो हमने ये देख लिया था कि इंटरनेट कैसे शुरू हुआ और आज कहां तक पहुंचा है, कल की क्लास तो हमने ये देख ली थी। अच्छा, आज हम देखते हैं कि आज का इंटरनेट, जो 2022 का जो इंटरनेट है, वो काम कैसे करता है। अच्छा, क्या होता है, When you visit a website, the web server hosting that site could be anywhere in the world. कह रहा है कि जहां पे वो वेबसाइट असल में रखी भी होती है ना, जिस सर्वर के ऊपर, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो क्या कहते हैं, किसी सिटी में हो, किसी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जहां जहां इंटरनेट की तार फैली हुई है वहां वहां सर्वर और इंटरनेट की सारी चीजें हो सकती है। इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द वेब सर्वर, योर ब्राउजर विल फर्स्ट कनेक्ट टू अ DNS सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं उसको। अच्छा, तो ये DNS सर्वर क्या चीज है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि शुरू शुरू में जब ये इंटरनेट की तारें लोगों को बांटी गई कि यार एक तार है, सब लोग इससे कनेक्शन ले लो, तो जो जो कंप्यूटर इस तार से जुड़ता था उसको एक अदर नंबर मिल जाता था, जैसे फोन नंबर होता है आज, इस तरह एक नंबर मिल जाता था। लेकिन वो नंबर याद रखना क्योंकि मुश्किल था, तो एक दूसरी कंपनी मार्केट में कूदी। उन्होंने कहा, भाई आपको ना ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम आपको एक नाम देते हैं, आप अपने कस्टमर को वो नाम दो, जैसे ही वो नाम एंटर करेगा रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी और हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहां पे, आपके एक्चुअल फोन नंबर पर। अच्छा, फिर वो इतना फेमस हो गया कि लोग असल में आईपी को भूल ही गए, ठीक है, अब सिर्फ डोमेन पे बात होती है। तो डोमेन जो होता है आपका, उसका आपके असल सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं होता। डोमेन अलग कंपनी है जो डोमेन बेच रही होती है, जिन लोगों का कोई एक्सपीरियंस रहा है पीछे उनको समझ आ गया होगा, लेकिन जिनका नहीं भी है वो भी समझें कि डोमेन जो होता है, जैसे facebook.com, ये जो जुमला है ना facebook.com, ये डोमेन कहलाता है, ठीक है। इसके पीछे एक अदद आईपी होती है, जो असल सर्वर जो चल रहा होता है वो एक आईपी होती है, ठीक है, नंबर होता है फोन नंबर की तरह। तो अब आमतौर पर अगर वेबसाइट का हम कोई जिक्र करते हैं तो हम ये समझते हैं कि facebook.com या google.com ही असल वेबसाइट, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ डोमेन का एक नाम है, ठीक है। जैसे फोन होता है आपका, ठीक है, मैंने अगर आपको अपना फोन नंबर बताया तो उस फोन नंबर का ताल्लुक इससे नहीं है कि असल में कौन से मोबाइल फोन में वो सिम लगी हुई है। हो सकता है कोई नोकिया का फोन हो पीछे, हो सकता है कोई किसी दूसरी कंपनी का फोन हो, ओप्पो का, और बहुत सारे चाइनीज वेंडर्स हैं।
अच्छा तो वो फोन नंबर अलग है और जहां रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर की एक आईपी एड्रेस होता है। अच्छा तो क्या होता है, पहले रिक्वेस्ट गई डीएनएस पे, डीएनएस के अंदर एक जुमला तो नहीं है, एक डोमेन तो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो हजारों डोमेन के अंदर वो आपके डोमेन के अगेंस्ट जो आईपी होती है वो निकालता है और रिक्वेस्ट को उस आईपी पे फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या हुआ, ये हो गया। द यूनिक नंबर दैट द डीएनएस सर्वर रिटर्न टू योर कंप्यूटर, हम जब भी हमने कोई जुमला लिखा, कोई नाम लिखा ब्राउजर में, वो उस सर्वर पे गया, उस सर्वर ने जो आईपी रिटर्न किया ना ब्राउजर को, वहां पे वो चला जाता है। अच्छा अब जब उस आईपी पे रिक्वेस्ट जाती है ना, तो वहां पे एक सर्वर होता है। सर्वर जैसा कि नाम से, सर्वर का मतलब क्या होता है, कोई यानी अंग्रेजी में सर्वर किस चीज को कहते हैं, कोई बता सकता है? क्योंकि वैसे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर्वर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मैं जुमला बोलने वाला था, लेकिन मैंने बोला उससे पहले पूछ लूं कि सर्वर अंग्रेजी में किस चीज को कहते हैं, बता सकते हैं क्या आप? अगर नहीं पता तो पहले मैं वो बताऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा अंग्रेजी में सर्वर किस चीज को कहते हैं, प्लीज अगर कोई बता सकता है तो बताए। जी नहीं, सर्वर देखो, सर्वर जो एक लफ्ज है, हाँ, जो सर्व कर रहा हो आगे। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको, आपके घर में मेहमान आए, तो आप कौन है, आप होस्ट हैं, और जो मेहमान आया वो गेस्ट है, ये ना अंग्रेजी है, सिंपल अंग्रेजी है कि वो मेहमान है और आप क्या है, मेजबान, होस्ट और गेस्ट। अच्छा अब आपका जो मेहमान है वो आपसे कहता है कि मुझे पानी दो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है पानी चाहिए मुझे, आप होस्ट हैं, आप क्या करते हैं, पानी उसको दे देते हैं। अच्छा पानी कैसे देते हैं आप, उसको गिलास में डाल के सर्व करके देते हैं, तो आपने उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया, ठीक है, तो आप होस्ट भी हैं, आप सर्वर भी हैं, आप उसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहे हैं, आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। अच्छा लेकिन आप हर ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगे उसकी, ठीक है ना, अगर वो कहे कि आप अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दें, तो आप कहेंगे भाई खाना पानी की हद तक तो बात सही है, निहारी खिला दूंगा मैं आपको, लेकिन जायदाद की तो बात नहीं करो, ठीक है। तो सर्वर भी फिर ऐसे ही होता है कि हर सर्वर जो नाम है वो अंग्रेजी में यही है कि कोई भी रिक्वेस्ट करेगा ना, तो उसको फुलफिल करने वाला जो जो चीज है उसको सर्वर कहते हैं। अच्छा तो सर्वर जो है वो आसान जुमलों में आपको बताऊं मैं, सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड में किसी कंप्यूटर मशीन के ऊपर रन हो रहा है, ठीक है, जैसे मेरी मशीन में इस वक्त गूगल क्रोम का एक सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है मेरे कंप्यूटर में। अच्छा मेरे कंप्यूटर में एक और सॉफ्टवेयर है, क्या कहते हैं, पीडीएफ रीडर, जिसमें ये बुक खुली हुई है वो चल रहा है। तो इसी तरह जो सर्वर है वो एक सॉफ्टवेयर है जो किसी जगह क्लाउड में कहीं रन हो रहा है। अच्छा तो जब आप आईपी पे रिक्वेस्ट जाती है ना, जब आईपी मिल जाती है आपको, उस पे जब रिक्वेस्ट जाती है, तो वो सर्वर तक जब रिक्वेस्ट पहुंचती है तो सर्वर आपको उसका जवाब देता है, और उस जवाब में वो क्या देता है, पूरा facebook.com का पेज आपको लाके देता है। अच्छा अब ये कहानी इसी तरह चलती रहती है, आप facebook.com पे कुछ लिखते हैं, क्लिक करते हैं, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, वहां से फिर रिस्पॉन्स आता है, आपने अगर लॉग इन का बटन दबाया, सर्वर पे आपका पासवर्ड लिया, वहां से आपको क्या आ जाएगा, पूरी प्रोफाइल का पेज आ जाएगा, अब ये कम्युनिकेशन शुरू हो गई, ठीक है। तो ये 2022 का जो इंटरनेट है वो इस तरह काम करता है। अच्छा तो ये हमने समझ लिया, अब यहां पे ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि लंदन से किसी बंदे ने रिक्वेस्ट की थी लेकिन सर्वर जो था वो पेरिस में था। अच्छा हम यहां से रिक्वेस्ट करते हैं facebook.com, लेकिन facebook.com का सर्वर कहाँ है, पालो आल्टो में पड़ा हुआ है, ठीक है, बे एरिया में, कैलिफोर्निया, तो वहां जाती है रिक्वेस्ट और वहां से रिस्पॉन्स वापस आता है। हम अगर गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं, उसका भी सर्वर अमेरिका में भी है, एशिया में भी अब लगा दिया उन्होंने। अच्छा अब हम चलते हैं चैप्टर वन के ऊपर, चैप्टर वन जो है, अच्छा सबसे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं वो जरा मैं मजीद क्लियर कर दूं, कल भी हमने जिक्र किया था, जो सबसे पहले इस बुक में हम चीज पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं मार्कअप, मार्कअप्स पढ़ेंगे हम। अच्छा मार्कअप्स क्या होता है, मैंने कल जिक्र किया था, कोई खड़ा होकर अगर बता सके कि मार्कअप्स किसको कहते हैं, जी खड़े होकर बताओ, नहीं HTML तो नाम है तुमने बोल दिया, मार्कअप्स क्या होता है, जी जब हम कागज पे कोई डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमने किसी चीज पे हाईलाइटर लगा दिया, किसी चीज को अंडरलाइन कर दिया, कोई हेडिंग की उसको बड़ा करके लिख दिया, तो ये दिस इज कॉल्ड
मार्कअप्स। अच्छा, तो ये मार्कअप्स हमने जो शुरू वाली चीज पढ़ी थी कि पहले बिजनेसेस क्या करते थे, पंफलेट छापते थे, और पंफलेट में क्या होता था, यही होते थे ना, मार्कअप्स होते थे। तो वो पंफलेट जो है, अब वो उसका सॉफ्ट वर्जन कैसे बनाएंगे, तो वो मार्कअप्स के जरिए बनाएंगे। अच्छा, इस मार्कअप की एक लैंग्वेज है, एक तो एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड में क्या होता है, सेलेक्ट किया, बोल्ड का बटन दबा दिया, हो गया, लेकिन उसके पीछे भी एक लैंग्वेज है, तो वो तो बनाएगा आम लोगों के लिए ना, एमएस वर्ड तो आम लोगों के लिए बना हुआ है, लेकिन ये जो बना हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोगों के लिए स्पेशल बना हुआ है, क्योंकि एमएस वर्ड पे बहुत सारी जगहों पे जाके लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है ना, बहुत सारी जगहों पे आप जाके फंस जाते हैं, वो उस तरह से कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते। जब आप वो कोड अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो आपको अनलिमिटेड हो जाती है पॉसिबिलिटी आपकी। तो हम वो एमएस वर्ड में माउस कीबोर्ड से करते थे, अब हम उसको कोडिंग के जरिए करेंगे, तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, मार्कअप्स। अच्छा, जो मार्कअप्स की जो लैंग्वेज बनी हुई है उसको हम कहते हैं HTML, ठीक है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट भी एक चीज है, हाइपर टेक्स्ट कौन बताएगा कि क्या होता है? जी हाँ, ऐसा टेक्स्ट हो, ठीक है, एक तो होता है ना कागज का डॉक्यूमेंट, अब कागज के डॉक्यूमेंट पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो आपको किसी दूसरी जगह अगर लेकर जा रहा हो तो उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कोई इश्तेहार पढ़ा टेलीनॉर का, या अच्छा टेलीनॉर के इश्तेहार में उन्होंने लिखा कि भाई आपको ना 24 घंटे की के लिए फ्री कॉल हो गई, पाकिस्तान के तमाम शहरों में 24 घंटे के लिए फ्री कॉल, उसके साथ छोटा सा स्टैरिक लगा हुआ, सही है, और उस स्टैरिक आपको समझ जाना चाहिए कि अब इसकी कहीं रेफरेंस दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, कि वो नीचे छोटा सा स्टैरिक और लगा हुआ होगा, उसके साथ लिखा हुआ होगा कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ये फ्री है, इस तरह की कोई बात लिखी हुई होगी। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ होगा कि फेयर यूजेज पॉलिसी भी है, कि एक घंटा आप बात करेंगे उसके बाद ब्रेक देना पड़ेगा कुछ, या कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह के शराय। फिर एक और भी लिखा हुआ होगा साथ में उसके, कि हर कॉल पे आपके 12 पैसे कटेंगे, क्योंकि वो टैक्स है, टैक्स है आपका। तो ये जो चीज है ना, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है, ये कागज में जो किताबों में जो होता था ना, उसमें हाइपर टैक्स ये होता था। अब जदीद दौर में जो, क्योंकि जाहिर है कागज और ये सेम तो नहीं है ना, इसमें जिद्दत है। अब जिद्दत में क्या होता है कि कोई भी टैक्स होता है, आप क्लिक करते हैं ना, वो आपको पूरे दूसरे पेज पे लेके चला जाता है। तो ये हाइपर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि मार्कअप भी है और टेक्स्ट भी हाइपर है, इसका टेक्स्ट जो है वो सिंपल नहीं है, हाइपर टेक्स्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, हाइपर लिंक भी कह सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट उन्होंने शुरू में जो नाम रख दिया वही चल रहा है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर ये बनेगा कैसे। अच्छा, फिर लर्निंग अबाउट मार्कअप, कि ये मार्कअप होती क्या चीज है, वो जरा थोड़ा सा बताएगा आपको। अच्छा, टैग्स एंड एलिमेंट्स, ये तीन बातें इस पूरे चैप्टर वन में डिस्कस होगी। अच्छा, तो हम चैप्टर वन पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, मार्कअप का एक हेलो वर्ल्ड बना लेते हैं, क्या ख्याल है, क्योंकि पहले कुछ प्रैक्टिकल हो जाए ना, नजर आ जाए कुछ, थ्योरी तो थोड़ी मोड़ी होती रहेगी क्योंकि थ्योरी है सारी। अच्छा, तो हम चल के जल्दी से एक प्रैक्टिकल बनाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ये मेरा डेस्कटॉप आ गया। अच्छा, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने खोला टर्मिनल, अच्छा बल्कि मैं डेस्कटॉप पे नहीं जाता हूँ, मेरे पास क्लास के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें तमाम क्लासों का मैं कोड रखता हूँ, तो मैं क्लास के फोल्डर में चला जाता हूँ। आप सब अपने डेस्कटॉप पे भी जा सकते हैं अभी, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है, ये आप घर जाके कीजिएगा। अच्छा, ये क्लास के ऊपर चला गया, मैंने क्लास पे जाके मैंने टर्मिनल ओपन किया, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखें आप, पहले से ना क्लास लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप अपने पास कैसे करेंगे, आप अपने पास ये ऐसे करेंगे कि एक तो ये तरीका हो सकता है ना कि शुरू में ही टर्मिनल खोल लिया आपने। अच्छा, विंडोज में इसका नाम होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, मेरे पास मैक की मशीन है तो उसमें टर्मिनल नाम है, अगर लिनक्स किसी के पास है तो उसमें भी टर्मिनल ही नाम होता है इसका। तो आपने ये टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट कोई भी खोल लिया। अच्छा, इसमें अब आपको ना क्या करना है, सीडी करके उस फोल्डर तक पहुंचना है, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये विंडोज के लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ, विंडोज के लिए स्पेसिफिक ये बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे सारी मशीनें विंडोज वाली लगी हुई हैं, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली घर पे भी सब लोगों के पास विंडोज होगा। कोई ऐसा है जिसके पास विंडोज के अलावा कोई दूसरा मशीन हो, लिनक्स वगैरह हो, कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, कोई भी नहीं ऐसा। तो मैं विंडोज पे बल्कि ये मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि किसी भी फोल्डर में आपको टर्मिनल कैसे खोलना है।
तो मैं इस मशीन को जरा ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, और इस मशीन को ओपन करके ना मैं इसका ले आता हूँ वापस। अच्छा, ये मैं ना ये वाली मशीन खोल ली है मैंने, दूसरी वाली। अच्छा, तो मैं जस्ट इस पर टर्मिनल ओपन करना बताता हूँ, फिर मैं वापस उस वाले पे आ जाऊंगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ इस वक्त, राइट। ये डेस्कटॉप है मेरा, ये साइड से मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरीके हैं इसको ओपन करने के डेस्कटॉप के ऊपर। एक तो ये कि शिफ्ट का बटन पकड़े आप, शिफ्ट का बटन होल्ड करें आप और राइट क्लिक का बटन दबाएं, सही है। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा ओपन पावर शेल हेयर, ठीक है, ये लिखा हुआ जाएगा आपके पास। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट भी आ रहा होगा कुछ पीसीज में, लेकिन अभी नए वाले क्योंकि विंडोज में पावर शेल आ गए हैं तो पावर शेल आ गए। अच्छा, ये एक तरीका है, क्लिक करेंगे इसी फोल्डर में खुलेगा कमांड प्रॉम्प्ट आपका। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो ऊपर जो एड्रेस बार आ रहा है ना, जिसमें लिखा हुआ है दिस पीसी और उसके बाद एरो बना के उसके बाद लिखा हुआ है डेस्कटॉप, इस एड्रेस बार पे क्लिक करना है आपने। इस एड्रेस बार पे क्लिक करके आपने दबाना है CMD, ये लिखना है और एंटर का बटन दबा देना है। तो देखें आप, टर्मिनल खुला है मेरे पास, कमांड प्रॉम्प्ट खुला है विंडोज में और इसमें डेस्कटॉप के लेवल पे खुला है, जिस फोल्डर में मैं खड़ा हुआ था ना उस लेवल पे खुला है। अच्छा, मैं अगर किसी और फोल्डर में खोलना चाहूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स में चला गया, ठीक है, इसमें बिलाल के नाम से किसी ने बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे दोबारा एड्रेस बार पे क्लिक करूंगा, मैं कहूंगा CMD एंटर, देखो बिलाल के फोल्डर में खुल गया, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, जहां पे हम खड़े हुए हैं ना वहां पे, यानी जहां पे हम काम करना चाह रहे हैं वहां पे हमें टर्मिनल खोलना है। ये थ्रू आउट द कोर्स हम ये करते रहेंगे, जहां पे काम करना होगा वहां पे हम टर्मिनल खोलेंगे। अच्छा, तो मैं अब इसको शिफ्ट को होल्ड करना है, शिफ्ट के बटन को होल्ड करना है और राइट क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा ओपन पावर शेल हियर, ठीक है। लेकिन पावर शेल में समटाइम ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप विंडोज पे हैं तो आप पावर शेल को यूज ना करें, आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करें, क्योंकि पावर शेल में ना कुछ नई सिक्योरिटी की चीजें इंप्लीमेंट की हैं विंडोज वालों ने, तो एक नए बंदे के लिए ना वो काफी हैक्टिक होता है। कभी कभी वो कहता है परमिशन नहीं मिल रही मुझे, तो एक नए बंदे के लिए वो काफी हैक्टिक हो सकता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट यूज करें आप तो वो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, तो मैं वापस से अपनी इस मशीन पे आ जाता हूँ। अच्छा, डेस्कटॉप, अच्छा मैं वापस अपनी इस मशीन पे आ गया। अच्छा, तो मेरे केस में मैंने क्लास के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैं तमाम क्लासेस का कोड रखता हूँ। मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनल कैसे ओपन होगा, अगर किसी के पास मैक मशीन है या लिनक्स की मशीन है तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के भी दो तरीके हैं, बता देता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, कल को पैसे कमाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी मैक बुक लेंगे, ठीक है, तो उसके भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। या कहीं कंपनी में आप जॉब करने के लिए गए, उन्होंने आपको मैक दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें कैसे होगा। अच्छा, तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि टर्मिनल आपने ओपन किया, ठीक है, टर्मिनल जब आप ओपन करते हैं मैक के अंदर तो ये अलिफ मद्दा लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे खुलता है, क्योंकि मैक में और लिनक्स में, अच्छा बाय द वे असूलन होना क्या चाहिए, ये मैं बहुत अहम बात बता रहा हूं, अगर आपको समझ आए तो, कंप्यूटर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में, बेटा दानियाल क्या हुआ, प्रॉब्लम है कोई, तुम्हें इतने पीछे क्यों बैठना है भाई, तुम्हें आगे आगे बैठा करो ना, तुम्हें ये दिख जाती है स्क्रीन उतनी दूर से, दिख जाती है पक्का, तुम अब आगे आ जाओ, तुम उठो उठो वहां से आगे आओ, बहुत दूर बैठे हुए हो। अच्छा, ये वाली चेयर पकड़ लो, हाँ ये चेयर आगे ले आओ, आगे ले आओ इसको, यहाँ पे बैठ जाओ। क्या नाम है आपका, अहमद भाई से हाथ मिलाओ, दोस्ती करो उनसे जल्दी से। अच्छा, ये हमारे कल भी इंट्रोडक्शन हुआ था इनका, 12 साल के हैं ये। क्या नाम है आपका दोबारा बताओ, दानियाल नाम है, अच्छा, और तुम्हारा अहमद, अच्छा तो ये समझो तुम कि तुम्हारे दानियाल भाई छोटे हो गया इनके भी कजन है दानियाल नागौरी, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो बड़े हैं, ये छोटे दानियाल हैं। दानियाल भाई को देखा है तुमने, दानियाल नागौरी को, वीडियो देखना फेसबुक पे जाके, ठीक है, मिलियन डॉलर कमाने हैं तुमने भी, रेडी हो जाओ। अच्छा, तो इनके साथ बैठ के यहाँ पे देखो इनका कंप्यूटर,
और आगे बैठा करो, तुम बिल्कुल पीछे बैठते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता पीछे बैठ के, ठीक है, स्क्रीन देखनी होती है तो आगे बैठा करो। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर की दुनिया में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, अगर आप सॉफ्टवेयर के बंदे हैं तो आपके लिए ना लिनक्स सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके विंडोज से अपनी जान छुड़ाना। अच्छा, हम सब विंडोज क्यों यूज करते हैं पता है आपको? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे बहुत पैसे खर्च किए हैं और उन्होंने इन्फोर्स किया है कि हम विंडोज के यूजर बन गए, बहुत पैसे लगाए उन्होंने। अच्छा, उन्होंने यूनिवर्सिटीज को भी इन ऑन बोर्ड लिया और उनको भी कहा कि यार आप हमारी चीजें ना कोर्स में पढ़ाएं। यही वजह है कि .NET और विंडोज 8 और ये सारे फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। अच्छा, फिर उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे किए। अच्छा, फिर विंडोज भी ऑलमोस्ट फ्री कर दी। ये पायरेटेड जो हम विंडोज चलाते हैं ना, हमें लगता है हमारा कमाल है, हमारा कमाल नहीं है, उन्होंने खुद इन्फोर्स किया ताकि हम विंडोज को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो लेकिन विंडोज डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये जहन में आप बात डाल लें, विंडोज डेवलपर के लिए नहीं है, डेवलपर के लिए लिनक्स है या मैक है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, बजट अच्छा है आपका, तो मैकबुक पहली फुर्सत में आप ले लें। अच्छा, और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप विंडोज से जान छुड़ाएंगे ना अपनी, आपको लगेगा आप बहुत बड़े अजाब में आओगे। लिनक्स, जब आप लिनक्स इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आसान नहीं है वो इस्तेमाल करना, मुश्किल है। अच्छा, लेकिन जैसे ही एक बार आपका उस पर हाथ सेट हो जाएगा ना, आपको फिर समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या बेवकूफी कर रहे थे आप, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके विंडोज से अपनी जान छोड़ें, या तो लिनक्स पे आए, जो भी आपका लैपटॉप है उस पर लिनक्स आराम से इंस्टॉल हो जाता है, वीडियो देख लें यूट्यूब पे कैसे होता है, बहुत आसान है अब तो। अच्छा, और अगर बजट अच्छा है तो मैकबुक खरीद लें, मैकबुक बल्कि अभी इन्होंने सस्ती भी कर दी है, जो M1 वाला आया वो काफी सस्ता हो गया है, पहले तो बहुत ही महंगे होते थे। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि लिनक्स में या मैक में जब आप टर्मिनल को ओपन करते हैं तो आपका जो टर्मिनल खुलता है ना, ये से अलिफ मद्दा लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इस अलिफ मद्दा का मतलब होता है होम, क्योंकि लिनक्स के अंदर सी ड्राइव डी ड्राइव का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें एक ही ड्राइव होती है, एक ही ड्राइव होती है, उसमें सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें होम जो है ना वो रूट होता है, हमारे पास क्या होता है विंडोज में सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव रूट होती है, इसमें होम होता है, ये रूट पे खड़े हुए हम। अच्छा, अब इसमें आप क्या करते हैं, ls करके देखेंगे तो ये होम पे क्या क्या पड़ा हुआ है आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साइड में भी ये चीजें दिख रही है मुझे, ठीक है, ये होम, ये मलिक लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा होम है, ठीक है। तो होम पे खुलेगा, जब भी आप टर्मिनल को ओपन करेंगे कहाँ खुलेगा, होम पे खुलेगा। अच्छा, मुझे कहाँ जाना है, क्लास के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे cd स्पेस और ये क्लास को ना ड्रैग करके यहाँ लाके छोड़ दूंगा, ठीक है, और एंटर कर दूंगा, ये क्लास में पहुंच गया मेरे पास, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाएंगे और इसके अंदर सर्विसेज है, इसमें लिखा हुआ है न्यू टर्मिनल एड फोल्डर, यहाँ से आप ओपन कर लेंगे तो भी ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके आपको पता चल गए, विंडोज के भी दो तरीके और लिनक्स और मैक के भी दो तरीके आपको पता चल गया। अच्छा, लिनक्स में एक शॉर्टकट भी होता है, आई थिंक कंट्रोल शिफ्ट और टी होता है, आप गूगल कर लीजिएगा, इस तरह कोई शॉर्टकट भी होता है लिनक्स में, अगर कोई लिनक्स का यूजर है तो उससे भी आपका टर्मिनल खुल जाता है और उसके बाद cd करके आप ऐसे ही उसको खोल सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं उस फोल्डर में आ गया जिस फोल्डर में मुझे काम करना है। अगला काम मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो एम्प्टी रिपोजिटरी गिटहब में मैंने पहले से क्रिएट की हुई है उसको क्लोन करूंगा। आप लोगों ने कल सबने वीडियो देखी है गिटहब की, ठीक है, उसका टाइटल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को ना मिला हो या ना समझ आया हो, लिंक भी उसका शेयर कर दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, या आप में से भी कोई कर सकता है, सबके पास परमिशन है, कोई भी मैसेज कर सकता है। तो उसका टाइटल था गिट एंड गिटहब, गिट एंड स्मार्ट गिट क्रैश कोर्स, और पार्ट वन और पार्ट टू 20-20 मिनट की दो वीडियोज थी, तो होपफुली वो सब आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें ये क्लोन का तरीका उसमें बताया हुआ है। अच्छा, तो मैं वो करके भी दिखाता हूँ आपके सामने। अब मैं गया, ये वो रिपोजिटरी है जिसको मैं क्लोन करके लाना चाह रहा हूँ, अभी ये रिपोजिटरी बिल्कुल खाली है, मैं इसको अपनी मशीन में लाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, कोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, ठीक है, https का जो लिंक है, एक ssh भी है, वो नहीं करना, https वाला करना है क्योंकि ये आसान है। अच्छा, और ये छोटा सा बटन आ रहा है, इसको प्रेस करके मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया इस लिंक को। कॉपी करने के बाद मैं वापस आया अपने टर्मिनल में और मैं क्या करूंगा, गिट क्लोन
और वो URL मैंने पेस्ट कर दिया, अच्छा और एंटर कर दिया, ये क्लोन हो गया। अच्छा ये गिट बाय द वे पहले से आपकी मशीन में मौजूद नहीं होगा, ठीक है, ये गिट पहले से आपकी मशीन में क्या होगा, मौजूद नहीं होगा। अच्छा ये गिट कैसे आपकी मशीन में आएगा, ये गिट आपकी मशीन में ऐसे आएगा कि आपको जो है ना गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल होगा, आप जाएंगे गिट लिखेंगे, गिट लिखेंगे आप गूगल पे और एंटर करेंगे, तो ये गिट यहां से आपको ना इंस्टॉल करना होगा। लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर मैक, आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में खोलेंगे डाउनलोड फॉर विंडोज या डाउनलोड फॉर लिनक्स यहाँ पे आ रहा होगा, इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो जब ही वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे मिलेगा। अदरवाइज अगर इंस्टॉल नहीं होगा ना तो क्या मैसेज आएगा मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर विट लिखता हूँ मैं, मेरे पास विट नाम का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, एंटर किया मैंने, इसने कहा भाई कैन नॉट फाउंड कमांड, विंडोज में लिखा पाएगा कि कैन नॉट फाइंड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इस तरह लिखा पाएगा, ठीक है। तो गिट को पहले आपको अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जब ही आपको ये गिट की कमांड आप रन कर सकते हो। क्या कमांड है, गिट क्लोन और उसके बाद वो URL जिसको क्लोन करके लाना है। अच्छा अब जैसे ही मैंने ये कमांड रन की है तो आप देखें मेरे पास ना ये क्लास के अंदर क्या बना हुआ गया, बैच 8 के नाम से एक फोल्डर आ जाना चाहिए, देखते हैं आया या नहीं आया। ये आ गया, ठीक है, सैलानी बैच 8 वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्लास, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास फोल्डर बना हुआ आ गया। अब इसके अंदर ना देखें पहले से एक रीडमी आ रहा है और एक डॉट गिट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे रीडमी रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी देखें एक रीडमी रखा हुआ है, ये पूरी रिपोजिटरी उठ के मेरे पास मेरी मशीन में चली गई है, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा मैं गिट भी पढ़ाता जा रहा हूँ साथ में। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आके इसको मुझे किसमें खोलना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा मुझे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अच्छा विजुअल स्टूडियो कोड क्या चीज है, एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है। आपको अगर कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर पसंद है आप उससे भी कर सकते हैं, नोट पैड पे भी ये काम करेंगे हो जाएगा, ठीक है, नोट पैड पे भी अगर आप ये काम करेंगे तो हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा तो मैंने अब अपनी रिपोजिटरी के अंदर ना क्या बनाया, एक नया फोल्डर बनाया, उसमें मैंने क्या रखा नाम उसका, क्लास वन, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया हेलो वर्ल्ड, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। ये कहां फोल्डर बनाया, मेरी रिपोजिटरी के अंदर ये फोल्डर बना, ठीक है। अच्छा मेरी रिपोजिटरी के अंदर ये फोल्डर बनाया। अब ये फोल्डर जो है मुझे विजुअल स्टूडियो कोड में खोलना, तो मैं कैसे खोलूंगा, इस फोल्डर में टर्मिनल ओपन करूंगा मैं, ये मैंने इस फोल्डर में टर्मिनल ओपन कर लिया। क्या लिखा हुआ है, क्लास वन हेलो वर्ल्ड, विंडोज में आपको मैं बता चुका हूँ इस फोल्डर में टर्मिनल कैसे खुलता है, ठीक है, कोई इसमें शक नहीं है। अच्छा यहां पे मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट एंटर, तो ये फोल्डर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अब ये विजुअल स्टूडियो कोड कैसे आया, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा चलते हैं देखते हैं जरा ये कहां से इंस्टॉल होता है, VS कोड गलत लिख दिया मैंने, VS कोड इसको प्यार से कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, वैसे नाम इसका पूरा है विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा एक विजुअल स्टूडियो वो दूसरा वाला है जिसमें सी शार्प की डेवलपमेंट हो, ये वो नहीं है, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, वो सिर्फ विजुअल स्टूडियो है, तो आपने ये वाला करना है। अच्छा मैं गया इसकी वेबसाइट पर, ये विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल हो गया आपके पास। अच्छा इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा ये, तो आपके पास क्या होगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं एक दूसरे तरीके से भी खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा मैंने कहा ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ना डायरेक्ट खोल लिया, या मैं इसको अपने पास अच्छा मेरे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंस्टॉल हुआ आ रहा होगा, ये आ रहा है कोने पे लिखा हुआ है, सही है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये क्लिक करने से क्या हुआ, ये खुल गया विजुअल स्टूडियो कोड। एक तो मैंने टर्मिनल के जरिए खोला था कोड और डॉट करके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं फाइल पे गया, मैंने कहा ओपन फोल्डर, हमेशा आपको ओपन फोल्डर करना है, ओपन फाइल कभी भी नहीं करना, ठीक है, हमेशा क्या करना है ओपन फोल्डर करना है।
ओपन फोल्डर किया मैंने, ओपन फोल्डर करने के बाद मैं कौन सा फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, मैंने जो अभी अभी मेरा फोल्डर बनाया है हेलो वर्ल्ड का वो ओपन करूंगा। अच्छा कहाँ था वो डेस्कटॉप पे था और डेस्कटॉप के अंदर क्लासेस के अंदर था वो, और बैच 8 के अंदर और क्लास 1 हेलो वर्ल्ड, ये फोल्डर मुझे ओपन करना है। तो मैं ऐसे भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, विंडोज में भी ये सेम चीज है बिल्कुल। विंडोज में भी आप क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर जाएंगे फाइल के अंदर से, और वहां पे से जाके आप जो भी फोल्डर ओपन करना है आप ओपन कर लेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि आपको हमेशा वीएस कोड में फोल्डर ओपन करना है, फाइल ओपन नहीं करनी है। उससे होगा क्या, अगर आपने फाइल ओपन कर दी गलती से तो मेरे पास जो फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं ना आपके पास वो नहीं आ रहे, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं विजुअल स्टूडियो कोड के जो सिर्फ फोल्डर खोलने पे ही इनेबल होते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा फोल्डर ओपन करना है, फाइल ओपन नहीं करनी है। अच्छा मैंने ओपन कर दिया फोल्डर। अच्छा जैसे ही मैंने फोल्डर ओपन किया, चूंकि ये फोल्डर बिल्कुल खाली है तो इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा मुझे, ठीक है। ये फोल्डर क्या है, बिल्कुल खाली है तो इसमें मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, छोटी सी चुन्नी सी। क्या बनाता हूँ मैं, एक टेक्स्ट फाइल, अभी HTML की भी बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल। अच्छा कैसे करूंगा मैं, ये छोटा सा बटन नजर आ रहा है यहाँ पे, न्यू फाइल लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको अगर मैं आपको स्क्रीन को बड़ा करके दिखा पाऊं, ये छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल, ठीक है। इसके पड़ोस में न्यू फोल्डर भी है, ये क्लिक नहीं करना आपने, या फोल्डर बनाना होगा तो करेंगे अभी, लेकिन नहीं करना। न्यू फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ही मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया मुझसे अब ये पूछ रहा है कि नहीं न्यू फाइल का आपने नाम क्या रखा है, नाम बता दो आप मुझे। तो मैंने कहा कि ABC, देखिए वो कीबोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा था, अभी से चल गया। अच्छा abc.txt ये मैंने नाम रख दिया मेरी फाइल का, ठीक है जी। अभी मैंने जस्ट एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, अभी HTML बना नहीं रहा मैं, अभी सिर्फ टेक्स्ट फाइल बना रहा हूं। अच्छा इस टेक्स्ट फाइल में मैंने क्या लिखा, दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन GitHub रिपोजिटरी, ठीक है जी, GitHub रिपोजिटरी फुल स्टॉप सेव। अच्छा अब ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है छोटी सी, ये कल वाला असाइनमेंट है आपका जो कल आपको करके लाना था, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये फाइल मैंने लिख के सेव का बटन दबा दिया, ये फाइल मेरी सेव हो गई। अब इसको मुझे वापस GitHub में पुश करना है, कैसे करूंगा मैं, कौन बता सकता है, अच्छा इसको मुझे कमिट और पुश करना होगा, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे करूंगा मैं वापस जाऊंगा अपने फोल्डर में, ठीक है, मैं वापस अपने फोल्डर में गया, जो मेरा रूट फोल्डर है यानी डायरेक्टरी का, जो मेरी रिपोजिटरी का जहां पे नाम लिखा हुआ है वो मेरा क्या है, उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अच्छा इस पे जाके मैंने टर्मिनल ओपन किया, ठीक है, पहले भी किया था इस पे टर्मिनल ओपन, देखें इसमें मेरी रिपोजिटरी का जो फोल्डर है ना उस फोल्डर में ये ओपन हुआ है टर्मिनल इस वक्त, सही है जी। अच्छा यहां पे जाके मैं क्या लिखूंगा, गेट एड और डॉट, सही है, एक ये हो गया। दूसरी कमांड क्या लिखनी है यहां पे, गेट कमिट माइनस एम और कोई भी एक मैसेज। अच्छा कमिट क्या चीज होती है, कि आपने कोई भी एक काम कंप्लीट कर लिया है उसको आप वहां पे कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई इतने पे मुझे एक अभी माइलस्टोन बनाना है, ठीक है, जैसे होता है ना कि बुक में एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो वो उसके बाद एक नीचे लगा देते हैं कि दी एंड, अगला चैप्टर उसके बाद शुरू होता है, तो ये सेम वही चीज है। अच्छा माइनस एम में कोई भी, माय फर्स्ट कमिट एंटर, ठीक है, एक गिट एड डॉट, एक गिट कमिट माइनस एम और मैसेज। अच्छा तीसरा गिट पुश
ओरिजिन मेन, ठीक है, पहले मास्टर होता था डिफॉल्ट नेम, लेकिन अब उन्होंने चेंज करके मेन कर दिया, तो हम मेन करेंगे। अच्छा, ये मेरी चेंजेस कहाँ चली गई? गिटहब में वापस चली गई। अच्छा, देखते हैं जाके कि पहुंची है या नहीं पहुंची। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्लास वन हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ओपन किया मैंने इसको, तो टेक्स्ट फाइल भी आ रही है अंदर जो मैंने बनाई थी, ये टेक्स्ट फाइल आ रही है। अच्छा, तो मैं जब भी क्लास में कोड लिखूंगा, मैं इसी तरह से उसको क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा गिटहब में, ताकि वो आप लोगों को जब घर पे जाके प्रैक्टिस करनी हो तो वो कोड आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। और आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जल्दी से जल्दी आप इसको अपने हाथ से परफॉर्म कर लें, इस चीज को जो मैंने आज करके बताया, ठीक है। अच्छा, आसान कमांड है, मुश्किल तो नहीं है कोई, ठीक है, तीन कमांड है टोटल जी। गिट और गिटहब में यह फर्क है कि गिटहब तो एक वेब एप्लीकेशन है ना, लेकिन आपकी मशीन में जो गिट की चीजें आप कर रहे हैं, जो मैं कमांड चला रहा हूँ टर्मिनल के जरिए, वो उसके लिए आपको गिट इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो एक चीज ऐसी है जो इंस्टॉल होगी, एक चीज ऐसी है जो क्लाउड पे रहेगी। तो गिटहब वो चीज है जो क्लाउड पे रहेगी, वो आपकी मशीन में नहीं आएगी, गिट आपकी मशीन में होगा, ठीक है। अगर गिट आपके पास इंस्टॉल नहीं है ना, तो ना आप क्लोन कर सकते हैं, ना आप पुश कर सकते हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं उसको क्लाउड में। जी हाँ, कोई मसला नहीं जी। पुश वाली कमांड में दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, मैंने किस फोल्डर में खोला अपने, मैंने उस फोल्डर में टर्मिनल खोला जो मेरा रूट डायरेक्टरी है मेरे रिपोजिटरी की, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो रूट डायरेक्टरी है? उस डायरेक्टरी का नाम सेम होगा जो आपके गिटहब की रिपोजिटरी का नाम है, क्योंकि आपने क्लोन किया ना, तो वो ऑटोमेटिक वो नाम लेकर आ जाता है। तो जिस फोल्डर में वो नाम लिखा हुआ है ना, उस फोल्डर पे आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अच्छा, उसके बाद पहली कमांड गिट एड डॉट, सही है। अच्छा, उसके बाद गिट कमिट माइनस एम, और उसके बाद कोई एक छोटा सा मैसेज जो आपके कमिट का एक मैसेज होगा। अच्छा, तीसरी चीज गिट पुश ओरिजिन मेन, ये लिखा हुआ है तीसरा कमांड, गिट पुश ओरिजिन मेन, ये तीन कमांड है, ठीक है। आप में से कोई नोट कर रहा है कमांड्स? व्हाट्सएप के ग्रुप में ये लिख के लगा दीजिएगा ये कमांड, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने अभी HTML शुरू नहीं किया, हमने अभी हमने सिर्फ गिट की एक रिपोजिटरी को क्लोन करना सीखा है कि क्लाउड पे बनी हुई रिपोजिटरी। अच्छा, कभी भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसका तरीका क्या है? ये तरीका कि आपको ऐसा नहीं करना कि पहले मशीन में अपने आपने काम स्टार्ट कर दिया फिर रिपोजिटरी बना, ये तरीका गलत है। आपको पहले उसकी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीका है जो ये। अच्छा, और रिपोजिटरी क्रिएट करके उसको आपने क्लोन किया, उसमें काम कुछ करके रखा और उसको वापस पुश किया, ठीक है। कोशिश आपको करना है कि आप कोई भी कोड लिखें तो वो कोड आप ना अपनी मशीन में उसको ना छोड़े, आपकी जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें कोई भी कोड उसको ना छोड़े, गिट के ऊपर उसको पुश कर दें, ठीक है, क्लाउड में चला जाएगा कोड। क्यों? क्योंकि क्या भरोसा कि आप अगली दफा जब कंप्यूटर को ऑन करें तो ऑन हो जाए, पता नहीं है, ठीक है। क्यों? मुझे तो भरोसा नहीं है कि मैं कल ऑन करूंगा तो इसकी हार्ड ड्राइव खराब हो चुकी होगी या क्या होगा, ठीक है ना, मुझे भरोसा नहीं है। अच्छा, हाथ से गिर गया उठाते हुए तो हार्ड ड्राइव में सारा कोड हो गया खत्म, हवा हो गया पूरा। अच्छा, फिर आपको रस्तों का तो पता ही है कराची के, कोई अगर आ गया आपसे मांगने के लिए तो फिर आप ये तो नहीं बोल सकते उसको कि यार मैं कोड निकाल लूं थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, उसको तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, उसको तो वो देना पड़ेगा आपको उसी को। अच्छा, तो फिर आपका कोड क्या होगा? वो जाया हो गया। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, फायदे की बात क्या है, ये तो एहतियात है ना, ये तो फायदे की बात ये है कि गिटहब में जब आपका कोड होगा पुश हुआ हुआ होगा तो दुनिया को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जंगल में मोर नाचेगा तो किसको पता है, किसने देखा, किसी ने भी नहीं देखा। तो आप जो भी कोड लिखेंगे आपके लिए ये जरूरी है, इस क्लास में मेरी तरफ से ये रूल सेट हुआ है कि आप जो भी असाइनमेंट बनाएंगे, जो भी कोड लिखेंगे, जब तक वो गिटहब में नहीं होगा ना, एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई यूएसबी में अगर लेकर आ रहा है मेरे पास या कोई दिखा रहा है कि सर ये खुला हुआ है देख लेना, नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लिंक मुझे देंगे गिटहब का, मैं खोलूंगा गिटहब में देखूंगा उसको, ठीक है। ये आपका फायदा है ताकि आपको आदत पड़े इसको इस्तेमाल करने की, ठीक है ना, क्योंकि गिट का
नीचे कोर्स में आपने देखा ग्रिड भी लिखा हुआ छोटा सा, मैं ग्रिड पढ़ा दूंगा उसका शायद आपका टेस्ट भी हो जाए, लेकिन टेस्ट होगा फिर आप भूल जाएंगे। सबसे अच्छा हल ये है कि ऐसा रूल सेट कर दिया जाए कि डेली बेसिस पे आपको वो करना पड़े, तो मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक छोटी सी फाइल बना के गिटहब में भेजी और गिटहब में हमने देखा कि पहुंच गई। अच्छा, अब हम क्या करने वाले थे, एक छोटा सा HTML लिखते हैं वहां, ये मैं उसी जगह पे आ गया हूँ जहां पे मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई। अच्छा, इस टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आप सब लोगों को दिखे, सही मेरे ख्याल इतना काफी है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, न्यू फाइल क्रिएट करके, टेक्स्ट फाइल नहीं बना रहा मैं, अब मैं क्या बना रहा हूँ, index.html, ठीक है, index.html। अच्छा, ये जो मैंने नाम रखा है ना, आपको हमेशा इसका यही नाम रखना है पहली फाइल का, ठीक है, इसका इंडेक्स नाम होना भी जरूरी है और इंडेक्स के बाद जो .html लगा हुआ है ये भी जरूरी है, ये दोनों चीजें क्या है, जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूं, एक काम ये करता हूं, एक नई रिपोजिटरी बनाता हूं, सही है, क्योंकि ये काफी मिक्स हो गया। अच्छा, एक नई रिपोजिटरी बनाता हूं आज की क्लास के लिए, ठीक है, और आपको एक चीज भी सिखाऊंगा और आपको एक टास्क भी दूंगा इससे रिलेटेड। अच्छा, मैंने कहा कि भाई फर्स्ट वेबसाइट, क्या मैंने लिखा, फर्स्ट वेबसाइट, ये क्या है, ये मेरी रिपोजिटरी का नाम है, फर्स्ट वेबसाइट, गिटहब में एक नई रिपोजिटरी बना रहा हूं, फर्स्ट वेबसाइट का मैंने बना दिया। अच्छा, और मैंने पब्लिक प्राइवेट भी कर सकते हैं आप, प्राइवेट का भी ऑप्शन है, लेकिन प्राइवेट में दिखेगा नहीं ना किसी को, असल मकसद तो लोगों को दिखाना है। अच्छा, क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है, एक नई रिपोजिटरी बना रहा हूं, चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है, चीजें क्या हो जाएंगी, रिवाइज भी हो जाएंगी और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। हाँ, ये फिर से ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये फिर से बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, ये सब बंद कर देता हूँ, बुक को भी मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, ये बुक भी क्लोज कर दी मैंने। अच्छा, ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड भी बंद कर दिया, टर्मिनल भी बंद कर दिया, सब बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब नए सिरे से मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज तवज्जो से देखिएगा और तवज्जो से हर चीज को समझिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, बल्कि मैं डेस्कटॉप पे कैसे खोल सकता हूँ, टर्मिनल, टर्मिनल लिखा मैंने और मैंने कहा सीडी डेस्कटॉप, ठीक है, टर्मिनल खोला, वो होम पे खोला था मेरे पास, मैंने सीडी डेस्कटॉप किया, डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अच्छा, अब जो भी चीज मैं क्लोन करूंगा वो कहाँ पर आएगी, डेस्कटॉप पे आनी चाहिए वो, मैंने कहा भाई गिट क्लोन, ये मैंने गलत क्लोन कर दिया, मैंने वो पुराना वाला लिंक पेस्ट कर दिया, अभी नई वाली रिपोजिटरी का करता हूँ, ठीक है, ये नई वाली रिपोजिटरी का लिंक फर्स्ट वेबसाइट के नाम से जो मैंने दोबारा से रिपोजिटरी बनाई है उसका लिंक कॉपी किया मैंने, उसका लिंक कॉपी करके क्लोन के आगे क्या लिखा मैंने, गेट क्लोन और वो URL जो मेरी रिपोजिटरी ने मुझे दिया था बना के वो लिखा, एंटर का बटन दबा दिया। एंटर का बटन जैसे ही मैंने दबाया, यहाँ पे आप देखें ये फर्स्ट वेबसाइट का फोल्डर बन के आ गया, ठीक है, अगर किसी को दिख रहा है ये फर्स्ट वेबसाइट का फोल्डर बन के आ गया। अच्छा, गौर से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, सीडी स्पेस फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, अब मैं किसमें जा चुका हूँ, फर्स्ट वेबसाइट के फोल्डर में चला गया, ठीक है, इस फोल्डर को मुझे किसमें खोलना है, विजुअल स्टूडियो कोड में, क्योंकि कोडिंग तो सारी मैं वही करूंगा, कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, जरूरी नहीं है विजुअल स्टूडियो कोड, कोई दूसरा भी आपको पसंद है तो आप उस पर कर सकते हैं। अच्छा, इस क्लास में लेकिन हम विजुअल स्टूडियो कोड को फॉलो करेंगे, मैंने क्लोन किया और उस रिपोजिटरी के अंदर चला गया, उस रिपोजिटरी के अंदर जाने के बाद मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, अच्छा कोड का मतलब है कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना चाह रहा हूँ और डॉट का मतलब है कि इस फोल्डर को ओपन करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं खड़ा हूँ, या डॉट स्लैश भी अब अगर लगाए ना तो ये भी सही है, ठीक है, डॉट स्लैश का मतलब होता है इस फोल्डर को ओपन करना, ठीक है, तो मैंने कहा विजुअल स्टूडियो कोड डॉट स्लैश कि ये फोल्डर के साथ ओपन करो विजुअल स्टूडियो को। अच्छा,
इस फोल्डर के साथ ओपन हो गया, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वेबसाइट। अच्छा तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक तो मैंने क्लास का फोल्ड कोड वो बनाया ना रिपोजिटरी, क्लास की रिपोजिटरी में तो मैं बहुत सारा लंबा सारा कोड होगा, लेकिन असूलन होना क्या चाहिए कि हर प्रोजेक्ट की ना एक अलग रिपोजिटरी होनी चाहिए, मैंने इसलिए ये दोबारा से बनाया। ठीक है, तो मेरा आज का जो प्रोजेक्ट है, आज का जो क्लास का हमारा गोल है वो क्या है कि एक छोटा सा नाम हेलो वर्ल्ड बना रहा है HTML का। ठीक है, तो अब तरीका क्या है, एक प्रोजेक्ट है ये आज की क्लास का प्रोजेक्ट है, तो हर प्रोजेक्ट की एक अलग रिपोजिटरी बनेगी। आज के प्रोजेक्ट का मैंने एक रिपोजिटरी बना दिया, उसको मैंने क्लोन कर लिया, क्लोन करने के बाद उसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या बनाऊंगा उसमें, एक अदद HTML का छोटा सा मैं कोड लिखूंगा उसमें, और उसको पहले चलाकर देखेंगे हम अपनी लोकल मशीन में, और फिर उसको हम गिटहब में वापस भेजेंगे। अच्छा आते हैं, index.html सही है, एंटर। अच्छा इंडेक्स इसका नाम होना जरूरी है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों जरूरी है, बल्कि आपको खुद ही समझ आ जाएगा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और इंडेक्स के बाद जो .html लगा हुआ है वो HTML होना भी जरूरी है, उससे ही कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये HTML है। अगर .mp3 लगा दिया आपने तो कंप्यूटर समझेगा ये कोई सॉन्ग है, गाने की फाइल है। ठीक है, अगर आपने .jpg लगा दिया तो कंप्यूटर को लगेगा ये कोई पिक्चर है, तो आपको .html ही लगाना पड़ेगा, और इंडेक्स इसका नाम रखना जरूरी है, वो भी बात को आपको पता चल जाएगा कि क्यों है। अच्छा यहां पे आने के बाद मैंने लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ये मार्क सबको पता है। अच्छा और मैंने टैब का बटन दबा दिया, जैसे ही मैंने ये काम किया आप देखें छोटा सा ना एक HTML लिखा हुआ आ गया पहले से। ये फीचर मुझे किसने दिया, ये फीचर मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ने दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटर का फीचर है, ये उसने मुझे दे दिया। अच्छा अदरवाइज मुझे ये हाथ से लिखना पड़ता सारा, ठीक है मुझे ये सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता। तो विजुअल स्टूडियो कोड का सबसे पहला फायदा क्या है कि जब हम कोडिंग लिखते हैं तो ये कोडिंग लिखते हुए हमारी थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करता था। ठीक है, हमें कोडिंग लिखने में टाइम बचाता है हमारा। तो मैंने क्या लिखा, एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब, तो ये बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर है ना ये बना हुआ। ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं। अच्छा अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हो सकता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अभी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, अभी हमें जब चलाना है कुछ, हमें कुछ चला के देखना है, फिर जब चल जाएगा तो एक एक करके समझ लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे आके लिखा H1 मार्कअप है ना भाई, तो मार्कअप में मैं क्या कह रहा हूँ कि एक क्या लगानी है मुझे, एक टेक्स्ट है उसको हेडिंग करके बड़ा करके दिखा। मैंने कहा कि हेलो फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है ये कर दिया मैंने। ठीक है अच्छा और मैंने क्या कहा, एक और मार्कअप लगाते हैं, मार्कअप बताओ और कौन सा होता है, बोल्ड कर देते हैं किसी चीज को हम, ये अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा तो मैंने कहा कि बी, अच्छा ये मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, बी लिखा टैब दबा दिया, ठीक है बी लिखा और टैब दबा दिया, तो ये खुद बन के आ गया पूरा। अच्छा और मैंने कहा कि दिस इज बोल्ड मार्कअप, तो हमने एक अपना क्या बना लिया, एक पंफलेट तैयार कर लिया अपना, एक वेबसाइट तैयार कर ली, और उसके अंदर दो मार्कअप लगाया मैंने, एक लगाया हेडिंग और एक लगाया मैंने बोल्ड। ठीक है एमएस वर्ड में कैसे करते थे, इसको सेलेक्ट करते थे और बी का बटन दबा देते थे, तो पीछे ये होता है देख लो, आज पीछे क्या होता है, ये होता है कि उसमें शुरू में और आखिर में ना बी लग जाता है, एमएस वर्ड में एग्जैक्टली यही हो रहा होता है। अच्छा तो ये हमारे हाथ में आ गया वो कंट्रोल जो एमएस वर्ड के अंदर होता था। अच्छा अब मुझे इसको ओपन करना है, इसको ओपन करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक किया मैंने कहां पे आके, ये जहां पे इंडेक्स लिखा हुआ है ना, फाइल का नाम लिखा हुआ है ऊपर, इस पे राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, इस फाइल का जो पाथ था वो कॉपी हो गया। ये विंडोज और लिनक्स और मैक तीनों में इक्वली काम करेगा ये जो तरीका बता रहा हूं। अच्छा कॉपी पाथ करने के बाद मैं यहां आया अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर में, या कोई भी ब्राउजर, बेहतर ये कि गूगल क्रोम यूज करें क्योंकि सबसे एडवांस ब्राउजर यही है इस वक्त। अच्छा और पेस्ट कर दिया मैंने ये बात और एंटर कर दिया, ये बन गई आपकी पहली वेबसाइट। ठीक है अच्छा जरूरी नहीं है कि मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड में करूं, मैं सेम चीज अगर नोटपैड में भी लिखता तो चलती, लेकिन नोटपैड में मुझे क्या करना पड़ता, हाथ से वो सारा टाइप करना पड़ता, इसमें मैं कर रहा हूं ना बी दबा रहा हूं टैब कर रहा हूं आसानी से, ये नहीं मिलता मुझे। मैंने वो जो लिखा हुआ है वो अगर मैं नोटपैड में भी लिखता तो ये चल जाता। अच्छा
दूसरा तरीका इसको रन करने का क्या है, एक तो ये हो गया कि फाइल के नाम पे राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ, और उसको ओपन कर दिया जाके, इसको मैं बंद कर देता हूं वापस। दूसरा तरीका इसको क्या है ओपन करने का, ये फर्स्ट वेबसाइट का फोल्डर है, इसको ओपन किया मैंने, ये दिख रहा है वही इंडेक्स की फाइल जो अभी मैंने बनाई है वो यहाँ नजर आ रही है, इस पर डबल क्लिक कर दिया मैंने तो भी चल जाएगा, ठीक है, इस फाइल में मैंने डबल क्लिक कर दिया तो भी ये ओपन होके मुझे नजर आ जाएगा। अच्छा, ये काम हो गया हमारा। अब इसको मुझे कहाँ भेजना है, वापस मुझे भेजना है GitHub में भेजना है वापस, ठीक है, पुश करवाना है मुझे। अच्छा, तो उसके लिए अब क्या था, गोल्ड को पुश करने के लिए क्या जरूरी है कि मैं अपनी रिपोजिटरी के फोल्डर में मौजूद हूं। मेरे पास देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है इस वक्त यहाँ पे, फर्स्ट वेबसाइट, यही मेरी रिपोजिटरी का नाम है, तो इसका मतलब है मैं सही जगह खड़ा हूं, मैं यहाँ पे कमांड रन कर सकता हूँ। मैंने कहा कि git add डॉट, ये कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने कहा कि git commit minus m और my first website, ठीक है, मैसेज लिख दिया, कोई भी मैसेज हो सकता है आपकी मर्जी का, एंटर कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या लिखूं तीसरी कमांड, कौन बताएगा, git push origin main, एंटर, ये मेरा कोड उठ के कहां चला गया, वापस GitHub में चला गया। अच्छा, अब GitHub का एक और भी फायदा है, ठीक है, GitHub आपको फ्री का एक क्लाउड सर्वर भी दे देता है। क्या दे देता है GitHub आपको, एक फ्री का क्लाउड सर्वर भी दे देता है, जिसपे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं, पूरी दुनिया को नजर आना शुरू हो जाती है आपकी वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, उस सर्विस का नाम GitHub ने क्या रखा है, GitHub Pages, क्या नाम रखा है, GitHub Pages। अच्छा, तो पहले तो हम ये जाके देखते हैं कि वहां पहुंचा है कोड या नहीं पहुंचा। आसान तरीका है, मैं रिपोजिटरी में गया और मैंने रिफ्रेश का बटन दबा दिया, रिफ्रेश का बटन जैसे ही दबाया, देखो HTML फाइल जो मैंने बनाई थी वो यहां नजर आ गई। अच्छा, अब हम ये सीखते हैं कि GitHub का जो हमारे पास फ्री वाला जो सर्वर है वो हम कैसे उसको अवेल कर सकते हैं। आसान तरीका है, देखो सेटिंग में गया, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आखिर में ना पेजेस लिखा हुआ है, आखिर में था पहले, अभी इन्होंने शायद चेंज कर दिया तो अभी थोड़ा पहले आ गए, पहले बिल्कुल लास्ट में ही होता था ऑप्शन। अच्छा, पेजेस पे क्लिक किया मैंने, पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ सोर्स, सोर्स में मैंने क्या कह दिया, मेन, मेरे ब्रांच का जो नाम है मेन वो मैंने कह दिया, बस मेन करके सेव का बटन दबा दिया, बस आसान, इतना आसान काम है। इसने मुझे ये लिंक दे दिया कि भाई ये आपकी वेबसाइट का लिंक है, पूरी दुनिया में किसी को भी ये लिंक दे दो, आपकी वेबसाइट वहां पे खुल जाएगी, सही है। क्लिक किया मैंने इस लिंक पे, अच्छा ये थोड़ा ना टाइम लेता है कभी कभी अपडेट होने में, अभी ये 404 आ रहा है लेकिन ये मसला नहीं है, खुल जाएगा ये, ठीक है, 5-10 मिनट लेता है ये कभी कभी, तो हम थोड़ी देर में खोलते हैं इस लिंक को। अच्छा, आपने करना क्या है, इस लिंक को करना है कॉपी, ये आपने लिंक कर लिया कॉपी, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपसे जो असाइनमेंट में सबमिट लूंगा वो इसी तरीके से होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि होस्ट हो गया ये, फ्री में होस्ट हो गया, बिल्कुल कोई पैसे भी नहीं मांगे इसने, यहाँ अबाउट लिखा हुआ है कोने में छोटा सा, ठीक है, ये अबाउट लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये छोटा सा सेटिंग का बटन है, इसको क्लिक किया आपने, इसको क्लिक करते ही क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका लिंक, वेबसाइट का लिंक कहाँ है, आपने वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आपने क्या कर दिया, सेव चेंजेस का बटन दबा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना वेबसाइट का लिंक नजर आ रहा है, उससे अब होगा क्या, ये मेरी रिपोजिटरी है, दुनिया को दिख रहा है रिपोजिटरी, पब्लिक है, कोई भी आके देख सकता है, जब यहाँ पे पहुंचेगा वो मेरा कोड देखेगा तो साथ में ना यहाँ पे क्लिक भी कर सकता है, यहाँ पे क्लिक करते ही क्या हुआ, खुल गई वेबसाइट, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था वो 10 मिनट लेता है अपडेट होने में, तो वो हो गया अपडेट, थोड़ी देर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और ये वेबसाइट खुल गया सामने, आएगा वो तुम्हारी अपनी रिपोजिटरी में आएगा, किसी और वाले में नहीं आएगा, जिसके ऑनर हो ना तुम उसमें आएगा, ठीक है। अगर आपने किसी दूसरे बंदे की रिपोजिटरी खोली हुई तो जाहिर है आपको उसमें एक्सेस नहीं होगा ना, क्योंकि वो ऑनरशिप तो किसी और की है, आपको सिर्फ देखने की परमिशन है पब्लिक रिपोजिटरी को। अच्छा, अब क्या करते हैं, हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है, सब जल्दी से ये वाला हेलो वर्ल्ड जो है ना, आप सब लोग अपने अपने पीसी पे परफॉर्म कर लें, सबने GitHub में अकाउंट क्रिएट कर लिया, कल आपको बोला था मैंने,
अच्छा, किसी के पास अगर अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी खुद खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे, आप मुझे हाथ खड़ा करके बुला सकते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अच्छा, तो करना क्या है, ये जो सारा काम मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया है, क्या काम किया है, एक रिपोजिटरी बनाएंगे छोटी सी किसी भी नाम से, उसके अंदर उसको क्लोन किया अपनी मशीन में, क्लोन करके उसमें एक HTML की फाइल बनाई। अच्छा, HTML की जो फाइल है ना, वो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप कोड देख के लिख लें, ये कोड है ठीक है, ये दो लाइनें मैंने अपने हाथ से लिखी है, बाकी तो खुद से लिखकर आ गई, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, टाइप किया, खुद से लिख के आ गई। अच्छा, तो ये जो कोड है ना, ये मैं यहाँ पे ओपन करके छोड़ देता हूँ ताकि आप यहाँ से देख कर लिख लें, अगर किस समय समझ में ना आया किसी को भी तो ठीक है। ठीक है जी, तो ये कोड उसमें लिखना है, फाइल का नाम होना चाहिए index.html, फाइल का नाम चेंज करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी, फाइल का नाम सेम होना चाहिए, और उसको वापस GitHub में पुश करेंगे और पेजेस में जाके उसको होस्ट कर देंगे, URL मिल जाएगा, अबाउट में लगा देंगे। ये जल्दी से सारे लोग अपने अपने पास परफॉर्म कर लेंगे चीज। तुम लैपटॉप तो नहीं लाते हो, एक PC पकड़ दो, है कोई, है अवेलेबल PC यहाँ पे? अच्छा, तो चले भाई शुरू हो जाए। अच्छा, सबसे पहले मुझे उन्होंने बुलाया था तो मैं जरा उनके पास चला जाता हूँ।